नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, मांसाहार हमारे जीवन में उचित क्यों नहीं, आज इसी के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आधुनिक सभ्यता के युग में मांस भक्षण तथा मद्यपान दुर्भाग्य से जीवन के अनिवार्य विषय बन रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में मांसाहार तथा मद्यपान का केवल निषेध ही नहीं बल्कि उनकी गणना पाप कृत्यों में की गई है। मांस भक्षण प्राणियों के दांत, दाढ़े एवं शूल तीक्ष्ण होते हैं, परंतु मानव के दांत कम नुकीले होते हैं। मनुष्य सदृश बंदर के दांत आदमी की तरह होते हैं। बंदर प्राणियों को मारकर उनका मांस भक्षण कभी नहीं करते। उनमें मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि तथा अन्य दैवी गुण कम मात्रा में होते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके जबड़ों की रचना मांस भक्षण के योग्य नहीं होती। इसके अलावा मांस भक्षण प्राणी और शाकाहारी प्राणी में फर्क यह है कि बिल्ली, कुत्ता, बाघ तथा सिंह आदि जीभ से पानी पीते हैं, जबकि गाय, बकरी तथा मनुष्य आदि होठों से पानी पीते हैं। दीर्घकाल तक किए गए शोधात्मक अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आदमी का जठर और दांतों की आंतरिक रचना केवल तंत्र युक्त आहार, फलाहार, शाकाहार के लिए ही कार्यक्षम है। मांसाहार तथा मत्स्याहार के लिए वे बिल्कुल सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम के शोधकों के अनुसार मांस के लिए मारे गए प्राणियों के शरीर में छिपे रोग मानव शरीर पर शीघ्र कब्जा कर लेते हैं। मांसाहारी मनुष्य में रोग की तीव्रता शाकाहारी मनुष्य की अपेक्षा अधिक रहती है। डॉक्टर जोसे ओल्डफील्ड द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका में यह बात आग्रहपूर्वक कही गई है। प्रकृति द्वारा मानव के लिए निर्मित अन्न प्राकृतिक रूप में पहचाना जाता है। इसके विपरीत अप्राकृतिक अन्न हानिप्रद होता है। अन्न में निहित प्राकृतिक तत्व जैसे जैसे कम होते जाएंगे, वैसे वैसे मानव की प्रतिकार शक्ति घटती जाएगी। मांस अनैसर्गिक खाद्य है जिसमें गर्म मसाले एवं भरपूर तेल डालकर उसका जायका बढ़ाया जाता है। मांसाहारी के लिए विषय में एक बात यह भी है कि मांस बहुतांश में रुचिहीन होता है। आहार शास्त्र की दृष्टि से मानव को केवल जायका तथा रस युक्त पदार्थ ही उचित है। स्वादिष्ट कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल एवं क्षार आदि विविध रस युक्त पदार्थों के सेवन ही उसके लिए लाभदायक होता है, तभी उसके आरोग्य में संतुलन रह सकता है। मांस का कोई जायका नहीं होता, उसमें अनेक पदार्थ डालकर जायका उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक का कहना है कि सेंद्रिय घटक त्वरित रूप से सड़ने वाले होते हैं। किसी भी प्राणी का अंत होने के कुछ क्षणों बाद ही उसके शरीर की सड़न क्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह मांस पेट में जाने पर मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसके अलावा जिसका मांस होता है उसके संस्कार, स्वभाव एवं प्राकृतिक मानव में उभरते रहता है। विशेषतया नित्य बकरे का अगर मांस भक्षण करके देखें, वैसे व्यक्ति में अतिरिक्त काम वासना उत्पन्न होकर उसके द्वारा कोई बुरा कर्म हो सकता है। ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों में मांस भक्षण व्यक्तियों की संख्या
अधिक रहती है। प्राणी जन पदार्थों में दूध, अंडे एवं मांस का समावेश होता है। इसमें से मलाई निकालें, दूध को छोड़कर अन्य प्राणी जन्य पदार्थों में मेद वृद्धि करने वाले तथा रक्त वाहिनियों में कठोरता लाने वाले स्कंद अम्ल यानी ये कहें कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इससे रक्तचाप, हृदय रोग सहज रूप से उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों, मांसाहारी पदार्थों के सेवन से स्रावित होने वाले अम्ल मूत्रपिंड, उदर एवं संविवाद आदि विकार उत्पन्न करते हैं। मांसाहारी में से तंतुमय पदार्थ बाहर नहीं निकलते, इस कारण मनुष्य में कोष्ठबद्धता, आंतों के विविध रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मांसाहारी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जबकि रक्त प्रवाह क्रिया के लिए 80% आवश्यक ऊर्जा कार्बोटकों में प्राप्त होती है। इसके अलावा हाल में किए गए विश्लेषण के अनुसार मांस से निकलने वाले यूरिक एसिड के कारण मधुमेह, अर्धांगवात, आंत्रपुंज शोध, संधिवात तथा अपरस्मार आदि रोग अधिक तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। शरीर के मूत्रपिंड यूरिक एसिड को बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन मांस के सेवन से बनने वाले अतिरिक्त यूरिक एसिड को मूत्रपिंड बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण से मनुष्य रोगी हो जाता है। आंदोलन से यही बात सामने आई। गायों को पुष्ट करने के लिए जब उन्हें मांसाहार दिया गया तो उनके मस्तिष्क पर अनिष्टकारी परिणाम हुआ। उनका मांस भक्षण करने वाले लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। मांसाहार से पोषक द्रव्य शरीर में प्रवेश करते हैं, यह मांसाहारियों का दावा है, परंतु उसमें भी अधिक परिणाम में पोषण द्रव्य दूध के लिए हरी सब्जियां तथा तृण युक्त धन्यों से प्राप्त होते हैं। अनेक निरीक्षणों के बाद यह बात सामने आई कि मांसाहार के साथ शराब पीने वाले व्यक्ति का मन अध्यात्म तथा परमार्थ में एकाग्र नहीं होता। इसी कारण योग क्रिया, धार्मिक व्रत, पुरस्चरण एवं ध्यान धारण आदि किसी भी कर्म में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इन सभी कारणों से धार्मिक दृष्टि से मांसाहार, मत्स्याहार तथा मदिरापान के विषय में किया गया निषेध सर्वदा उचित है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मांसाहार हमारे जीवन में मदिरापान, मत्स्यपान क्यों जरूरी नहीं है। मुझे आशा है आज की प्रस्तुति आप सबको अच्छा लगा हो। नीचे अपना सुझाव देना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो भाई चैनल पे नए हैं, आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई अगली प्रस्तुति के साथ। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।